Hello guys, Iman here. Welcome back to my channel. I hope you are having a great time. This tutorial is going to be very important. In this tutorial, we will explain that how we can control daily data usage and monthly data usage on your mobile. कभी कभार हम अपने डेटा को डेटा पे एक लिमिट रखते हैं कि पर डे या पर मंथ इतना डेटा यूजेज यूज़ होने के बाद वो ऑटोमेटिकली डेटा ऑफ हो जाता है. कभी कभार किसी को हम हॉटस्पॉट जो है वो कनेक्ट करा देते हैं, तो ये तब भी काम आता है कि आप डेटा यूजेज लगा दें तो वो डेटा स्पेसिफिक नंबर जो आपने दी हुई है, लेट सपोज 100 MB, 200 और 500 MB और GB और 1 GB, देन डेटा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा. या कभी कभार हम अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं तो डेटा लिमिट लगा देते हैं. लेट सपोज 100 MB लगा दिया तो 100 MB डेटा यूज़ होने के बाद ऑटोमेटिकली डेटा ऑफ हो जाएगा. तो इस चीज़ को सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स की तरफ. तो सबसे पहले अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे टैप करें, देन यहाँ से ये सेकंड नंबर पे आप लोग मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सिंपली गो एंड टैप ऑन दैट. यहाँ पर मैं दो सिम यूज़ करता हूँ, सिम वन एंड सिम टू, तो हम दोनों के लिए ये सेटिंग करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नीचे देख लें, डेटा यूजेज आप लोग एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, इस पे टैप करें. इस पे आने के बाद नाउ स्क्रॉल डाउन फ्रॉम हियर, ये सिम वन के लिए है. स्क्रॉल डाउन एंड डेटा, ये नीचे मैनेज डेटा यूजेज आप लोग को ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो इसके नीचे भी हमें सब ऑप्शंस दी गई है. सब ऑप्शंस में हमारे पास पहला जो है डेटा यूजेज लिमिट, मैंने टर्न ऑफ रखा हुआ है, बट आइए चलते हैं. सो ये हम आ गए डेटा यूजेज लिमिट में. अब पहला जो है, पहला ऑप्शन जो है वो है स्टार्ट कैलकुलेटिंग डेटा फ्रॉम. अब मैं यहाँ से डे वन ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के यकम से अगर ये कैलकुलेशन भी मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ. मैं फ्रॉम द डे टू, डे थ्री, लेट सपोज डे फोर से अगर मैं करूँ तो ये देखें डे फोर ऑफ एवरी मंथ, लेकिन डे वन रख के. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन में, दैट इज़ डेली डेटा यूजेज लिमिट. अब मैंने डेली डाटा यूजेज लिमिट जो है 1.95 GB, ऑलमोस्ट 2 GB रखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग सेट कर सकते हैं. तो पहला ऑप्शन जो है डेली डाटा यूजेज लिमिट में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो यहाँ पर मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ. लेट सपोज मैं 1 GB कर देता हूँ, तो अगर मैं इसको ओके कर दूँ, देख ले वापस, तो ये 1 GB हो गया. अच्छा, यहाँ पर ये जो GB आप लोगों को नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, इस पर क्लिक करें. यहाँ पर MB में भी कर सकते हैं, यहाँ पर GB भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं. लेट सपोज़ अगर आप चाहें कि 100 MB यूजेज के बाद ऑटोमेटिकली डेटा ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ पर 100 लिखें और यहाँ पर MB लिख दें और यहाँ नीचे से ओके कर दें, तो 100 MB यूजेज के बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि पर डे के हिसाब से 1 GB या लेट सपोज 500 रखें, आप 500 MB भी रख सकते हैं, 1.5 GB भी रख सकते हैं. यहाँ पर MB है तो मैं यहाँ पर GB सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर 1.5 GB डेली यूजेज के बाद आपका डेटा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये नीचे दो ऑप्शन दी गई है कि पहला जो है व्हेन डेटा लिमिट रीच्ड, जब डेटा लिमिट कंप्लीट हो जाए
तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेंड अलर्ट ओनली, ये सिर्फ आपको अलर्ट देता है कि आपका डाटा जो है लिमिट, डाटा लिमिट वो मुकम्मल हो गया। सेकंड ऑप्शन ये जो नीचे दिया गया है, सेंड अलर्ट एंड टर्न ऑफ मोबाइल डाटा। अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग रखते हैं तो आपको अलर्ट भी आएगी एंड डाटा जो है आपका ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा। मैं नहीं रखता डाटा लिमिट कोई भी, तो मैं सिंपली यहाँ से कैंसिल करके यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद मंथली है, मंथली भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर 1.9 GB आप यहाँ से MB में भी कर सकते हैं। मैं नहीं रखता कोई भी लिमिट। तो मंथली और डेली यूजेज का डेटा यूजेज लिमिट जो है उनका जो सेटिंग है बिल्कुल सेम टू सेम है। तो आप लोग ट्राई करें, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।